तहसील सवाईजपुर विकासखंड 52 के ग्राम मनीमऊ में अध्यापकों का हुलिया देखने से कुछ ऐसा लगता है कि यह अध्यापक नहीं है, वह किसी डकैत ग्रुप से भागकर आए हैं। जैसा कि आपको बताएं कि ब्यूरो चीफ अजीत श्रीवास्तव ग्राम मनीमाऊ प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे तो देखा कि अध्यापक अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तथा अध्यापक के ढंग में कोई भी अध्यापक नजर नहीं आया। और कुछ बच्चों से जब मिड डे मील के बारे में जानकारी ली तो बच्चों ने सटीक जानकारी नहीं दे पाए एवं कुछ बच्चों ने पढ़ाई के बारे में पूछा गया तो सटीक आंसर नहीं दे पाए तथा ऐसे कैसे बच्चों का भविष्य बन पाएगा जो अध्यापक ही अपने नियम बिगाड़ते हुए हैं। 15-20 दिन यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे तो इनको डालेगा इसमें सड़न आ जाएगी अपने नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर ये सूखे और गीले कचरे के लिए है। यहाँ पर गीला कचरा कुछ पड़ता नहीं है, सब सूखा ही कचरा है जो भी है, तो उसको जो है इकट्ठा करवाते हैं। इसके लिए गड्ढे की व्यवस्था है, इसके लिए आपने शासन से ये मांग की है कि यहाँ पर पूरे की उचित व्यवस्था। ये सारे विद्यालयों की स्थिति भैया यही है, यहाँ कोई नगर पालिका तो है नहीं कि कोई कचरा निस्तारण की अलग से व्यवस्था है, भीड़ जैसी व्यवस्था है उसी तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर गड्ढे करवा करके उसे डलवा दिया जाता है, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर गड्ढा था, ये धीरे धीरे भर रहा है। देखा आप दीवार देखेंगे टूटी हुई दीवार, ठीक है, दीवार टूटी ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है, ये विद्यालय की तरफ से इसका कोई मत नहीं है। ग्राम प्रधान से विषय पर बात हुई है? हाँ, बात हुई, बनवाने के लिए बोला है उन्होंने, उनके पास भी इस समय मद नहीं है, इसका बजट नहीं है, जब आएगा तो वो बनवाएंगे। अच्छा अच्छा, थैंक यू। इसी तरीके से आप बने रहिए समाचार इंडिया न्यूज से। आपने देखा है किस तरीके से मिड डे मील की व्यवस्थाओं का संचालन चल रहा है और बच्चों को उचित पोषण मिल रहा है। इसी के साथ क्या बेटा, रिपोर्ट बाय अवनेन्द्र दुबे, समाचार इंडिया न्यूज, हरदोई।